सीरियल परदेश में है मेरा दिल में आने वाली है एक और बुरी खबर, क्योंकि अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे बेचारी नैना हो जाएगी हॉस्पिटलाइज्ड, और वो भी होगी राघव की वजह से। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अब ऐसा क्या कर दिया है राघव ने जो नैना बत्रा हॉस्पिटल में भर्ती हो चुकी है। तो चलिए आपको बताएं इस पूरे अपकमिंग ट्विस्ट की कहानी। हमने आपको अपनी पिछली ही अपडेट में बताया था कि कैसे राघव के रूड बिहेवियर से नैना को हो रही है खासी परेशानी। इसके पीछे कारण उसकी प्रेगनेंसी भी है, जिस वजह से वो ऑफिस के काम का प्रेशर ठीक से नहीं झेल पा रही है, क्योंकि राघव है कि नैना पर ही ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है और सारे काम भी करवा रहा है। अब आपको बता दें कि इसी काम की स्ट्रेस की वजह से नैना की हो जाएगी तबीयत खराब, और ऑफिस से बाहर आते ही हो जाएगा राघव की कार से नैना का एक्सीडेंट, जिस कारण राघव काफ़ी डर जाएगा, क्योंकि इस एक्सीडेंट की वजह से नैना की प्रेगनेंसी पर भी असर पड़ सकता है। और क्योंकि काम का स्ट्रेस भी नैना पर है, तो अब नैना के पेट में पल रहे बच्चे की सेहत पर भी बुरा असर पड़ेगा। लेकिन क्या अब इस एक्सीडेंट के बाद नैना की प्रेगनेंसी राघव को नैना की ओर ध्यान देने पर मजबूर कर देगी, या फिर जिस बच्चे से राघव को पहले से ही नफरत थी वो बच्चा ही अब नहीं रहेगा? और अगर प्रेगनेंसी में कुछ अनहोनी होती भी है तो क्या नैना राघव को माफ़ कर पाएगी? देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। अपने फेवरेट सीरियल्स की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल टॉप न्यूज़ जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज़ से आस्था की रिपोर्ट।